please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. छत्तीसगढ़ के रायपुर में सैकड़ों की संख्या में नर्सेज एक मैदान में बैठकर नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन कर रही नर्सों ने वेतन में बढ़ोतरी की मांग के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बेमियादी हड़ताल पर चली गई। 5 दिन से जारी इस हड़ताल को राज्य के अलग अलग जिलों से आई करीब 3,000 नर्सों का समर्थन मिला। नर्सों के मुताबिक उन्होंने 3 साल पहले वेतन बढ़ोतरी की मांग रखी थी, साथ ही बाकी राज्यों की तरह नर्सिंग अलाउंस का भी मुद्दा उठाया था। चुनावी माहौल से इन्फ्लुएंस नहीं है हम लोग, ये हमारे 3 साल की लड़ाई है जो हम मजबूर होकर अब स्टेप उठा रहे हैं। नर्सों का आरोप है कि रमन सिंह सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी चिट्ठी की भी अनदेखी कर दी गई, जिसके बाद नर्सों ने सरकार का विरोध करने का फैसला किया और सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरने पर बैठ गई, जबकि सीएम रमन सिंह ने चुनावी साल में हंगामा करने का आरोप लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की। अभी चुनाव वर्ष सब उतर है, लेकिन नर्सों ने सरकार के इस आरोप को खारिज कर दिया। एनजीओ चलाने वाली तिस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका को अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तिस्ता सीतलवाड़ पर गैर कानूनी तरीके से 1,40,00,000 का सरकारी फंड लेने और उसके दुरुपयोग का आरोप है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक महिला टीचर कलेक्टर ऑफिस में मौजूद अधिकारियों के सामने कागज पर कुछ लिखने लगी। ये टीचर कलेक्टर के पास अपना तबादला करवाने पहुंची, जहां कलेक्टर ने टीचर का ज्ञान जानने के लिए उसे कागज पर अंग्रेजी में 1 लिखने को कह दिया। एक को 1 कहते हैं ना, इंग्लिश में लिखो। कलेक्टर के आदेश को सुन टीचर वहीं खड़े होकर टेबल पर एक कागज रखकर लिखने लगी। इसके बाद कलेक्टर ने 2 और फिर 3 की स्पेलिंग भी लिखने को कहा। ठीक है, अब 2 भी लिखो, अब लिखो 3 की। लेकिन सभी स्पेलिंग गलत लिखने पर कलेक्टर ने महिला टीचर के पढ़ाने पर सवाल खड़े कर दिए। सुनो, जिला शिक्षा कहां चले गए, बड़ी उनको बताते हैं। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी समेत दूसरे लोग भी महिला टीचर के लिखे कागज को देखने लगे, क्योंकि टीचर ने सभी शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। लेकिन कलेक्टर यही नहीं रुके, अंग्रेजी में शब्द लिखने में नाकाम टीचर से उन्होंने हिंदी में भी कुछ शब्द लिखवाने शुरू कर दिए और सबसे पहले अध्यापक शब्द और फिर मध्य प्रदेश को हिंदी में लिखने को कहा। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम स्पेलिंग लिखो अध्यापक की हिंदी में अध्यापक लिखो, अध्यापक की स्पेलिंग लिखो और हिंदी में लिखो मध्य प्रदेश, हिंदी में लिखो मध्य प्रदेश तो आसान है ना। इसके बाद कलेक्टर ने टीचर का लिखा हुआ कागज मांगा, लेकिन सारी स्पेलिंग गलत होने पर टीचर को फटकार लगाई। कुछ तो आना चाहिए, 1 की स्पेलिंग O N A, 2 की स्पेलिंग D O T। पहले हम लोग पढ़ते साथ तो ज्यादा इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। अरे इंग्लिश में हिंदी पूछा ना, मध्य प्रदेश की क्या लिख दिया तुमने, कुछ तो बताओ वरना बच्चों को बेकार कर दोगे, तुम पूरी नई पीढ़ी सड़ा दोगे। कलेक्टर की फटकार के बाद तबादला कराने आई टीचर वहां से चली गई। वहीं कलेक्टर ने उसके खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश में हरदा जिले के सिरालिया गांव के पास एक खुले मैदान के बीचों बीच बने एक गड्ढे में एक लड़की उतरने लगी। गांव वालों का दावा है कि ये गड्ढा उनके लिए पानी का एकमात्र जरिया है और इस गड्ढे से 2 बूंद पानी के लिए उन्हें 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। सिरालिया गांव इंदिरा सागर बांध के किनारे बसा है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि बांध के किनारे बसे होने के बाद भी उनके लिए पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया। 2 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है और छोटे छोटे गड्ढे खोद करके उसमें से पानी निकालती है बहन बेटी। इलाके के लोग कई बार अपनी समस्या प्रशासन और राज्य सरकार को बता चुके हैं, लेकिन आरोप है कि किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अधिकारी तो बहुत बार आ चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जिस गड्ढे से इलाके के लोग पीने का पानी भरते हैं वो धीरे धीरे दूषित हो रहा है, इसलिए गाँव वालों को बीमारियों का डर भी सताने लगा है। अब तक हेलीकॉप्टर केवल धरती पर ही उड़ाए गए हैं, लेकिन नासा ने मंगल ग्रह के आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ाने की योजना बनाई है। मंगल ग्रह से जुड़े नासा के अगले मिशन के तहत नासा एक छोटे और हल्के हेलीकॉप्टर को भी मंगल ग्रह पर भेजेगा। हेलीकॉप्टर को 2020 में एक रोवर के साथ ही मंगल की सतह पर भेजा जाएगा। केवल 1 किलो 800 ग्राम का यह हेलीकॉप्टर एक गेंद के आकार का होगा, जिसके आगे लगे ब्लेड 3,000 RPM यानी राउंड पर मिनट की रफ्तार से घूमेंगे। हेलीकॉप्टर के ब्लेड के घूमने की यह रफ्तार धरती पर चलने वाले बाकी हेलीकॉप्टर के ब्लेड से करीब 10 गुना ज्यादा है। हेलीकॉप्टर के साथ कोई वैज्ञानिक या पायलट मंगल पर नहीं जाएगा, रोवर से मिलने वाली कमांड के जरिए ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, जबकि रोवर को नासा के वैज्ञानिक धरती पर बैठे हुए ही ऑपरेट करेंगे। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लिथियम बैटरी से चलेगा और उन्हें चार्ज करने के लिए खास तरह की सोलर बैटरी लगाई जाएगी। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि रात के वक्त मंगल ग्रह का तापमान बेहद कम होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर को गर्म रखने के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। नासा का दावा है कि धरती के आसमान के बाहर किसी भी दूसरे ग्रह के आसमान में हेलीकॉप्टर को उड़ाने का यह पहला मौका होगा। नासा ने मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर भेजने की योजना 2013 में बनाई थी और तभी से वैज्ञानिक इस छोटे हेलीकॉप्टर को बनाने पर काम कर रहे हैं।
केरल में फैले जानलेवा निपाह वायरस के बाद हिमाचल प्रदेश के नाहन में मरे हुए 18 चमगादड़ मिलने से हड़कंप मच गया है। ये चमगादड़ एक स्कूल के पास मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। जांच करने पहुंची प्रशासन की एक टीम का कहना है कि ऐसे मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा संख्या में चमगादड़ मरे मिले हैं, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए हैं। प्रशासन केरल में निपाह वायरस से हुई मौतों के बाद से एहतियात बरत रहा है। जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 लोग जो हैं वो केरला में निपाह वायरस की वजह से और एनसेफलाइटिस की वजह से उनकी डेथ होगी, तो ये स्वाभाविक था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए तो देखा कि वाकई यानी कि 10-12 वार्ड जो हैं वो मरे पाए गए। सैंपल्स भी इनके वेटरनरी डिपार्टमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिए, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का फंक्शन था उसमें हमने सभी बच्चों को और टीचर साहिबान को यहाँ के प्रिंसिपल को बैठा के सभी को सेंसिटाइज किया कि निपाह वायरस क्या है और इसका अगर इन्फेक्शन होती है तो उसके बचाव क्या है। मॉर्निंग असेंबली के दौरान ये नोटिस हुआ कि कुछ बैट्स यहाँ पर मरे हुए पाए गए, इसकी सूचना तुरंत ही हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी और साथ साथ ही पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्मा पापड़ी में पहुँचा। सभी लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंपस के अंदर हमारे प्रेजेंट थे, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी को, सभी को उन्होंने इसके बारे में जागरूक किया। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के छात्र संगठन AMS यानी अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स के आतंकियों ने आपस में बातचीत करने के लिए एक ऐसा मोबाइल हैंडसेट बनाया जिसकी लोकेशन आसानी से ट्रेस नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से गिरफ्तार किए गए लश्कर आतंकी जैबुल्ला और हमजा ने NIA की पूछताछ में ये जानकारी दी। हमजा ने बताया कि मोबाइल हैंडसेट में एक खास तरह की चिप लगी होती है और वो आसपास मौजूद मोबाइल टावर के नेटवर्क से जुड़ जाता है और उस मोबाइल से की जाने वाली कॉल को खुफिया एजेंसियां नहीं पकड़ पाती। अगर खुफिया एजेंसियों ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की तो कॉल अपने आप ही कट जाती। पूछताछ में लश्कर के आतंकी हमजा ने पाकिस्तान में मौजूद उन 7 ठिकानों की भी जानकारी दी जहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। हमजा के मुताबिक मनसेरा के ताबुक इलाके में नए आतंकियों को शुरुआती ट्रेनिंग दी जाती है, फिर मुजफ्फराबाद के अक्सा मस्कर में उनको हथियार चलाना और GPS का इस्तेमाल सिखाया जाता है, जबकि KFC यानी कराची फूड सेंटर से आतंकी लॉन्च पैड तक राशन पहुंचाया जाता है। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से रिक्शा चालक की मौत। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से एक रिक्शा चालक की सड़क पर बेहोश होने के बाद मौत हो गई। दिल्ली में मुकरबा चौक के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई, हालांकि ड्राइवर की जान बच गई। उड़ीसा के घासीपुरा में एक ट्रक के पुल से नीचे गिरने के बाद उसके ड्राइवर की मौत हो गई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर पत्नी अनुष्का शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फिटनेस चैलेंज पूरा करने को दिया। हेलो सर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, सो हियर इज माय फेवरेट कोर वर्कआउट। IPL में ईडन गार्डन में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 25 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। IPL के दूसरे क्वालिफायर में 25 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जिसकी विजेता टीम 27 मई को होने वाले फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरे और उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय के घेराव की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही तैनात पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी, लिहाजा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बोलेरो गाड़ी को रस्सी की मदद से खींचते हुए मार्च निकाला। इस मार्च में शामिल कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। एक गाड़ी है जो बंद है और उसको खींच करके, छकड़ा गाड़ी की तरह खींच करके उसको लाने की कोशिश हो रही है। यूथ कांग्रेस का दावा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, कहीं ना कहीं आम जनता के जेबों पे उन्होंने डाका डालने का काम किया है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही, जिसके बहाने कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख को देखते हुए केंद्र सरकार के मंत्री भी सामने आए और उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सरकार तेल की कीमतों पर फैसला लेगी। नरेंद्र मोदी गंभीरता के साथ, मुझे लगता है कि जल्द ही उस पर कोई निर्णय ले सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री के इस दावे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री देश को भटकाने का काम कर रहे हैं, भ्रामक बयानात देकर देश को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लगे हाथ कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए भी मोदी सरकार को घेरा। बीएसएफ ने 8 पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए। बीएसएफ ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में उसके 8 रेंजर्स को मार गिराया और कई बंकर नष्ट कर दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कैराना उपचुनाव को लेकर शामली में एक चुनावी सभा करेंगे। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर खुद को सांसद प्रतिनिधि बताकर रेलवे अधिकारी से मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में कारखाने के कबाड़ गोदाम में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। एसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक झोलाछाप डॉक्टर की इलाज में लापरवाही की वजह से एक आईटीआई के छात्र की मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय में पुलिस एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद गुप्त ठिकाने पर ले गई। यूपी के फतेहपुर में फोन पर बात करने से खफा एक आदमी पर पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप लगा। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने छापा मारकर 300 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की। चीन के सिचुआन प्रांत में 2 दिन से लगातार जारी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और सैकड़ों पेड़ टूट गए। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से 4 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अमेरिका के हवाई में रात के वक्त ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आईं। स्पेन के गालिसिया में पटाखों के गोदाम में आग लगने के बाद हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों समेत 26 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ लोग पेट्रोल पंप के सामने ठेले पर मोटरसाइकिल लादकर नारेबाजी करने लगे। वहां पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने एक ठेले पर मोटरसाइकिल की अर्थी निकाली और तेल के बढ़ते दाम के लिए केंद्र पर निशाना साधा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ स्लोगन लगी तख्तियां ले रखी थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। जनता के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल छिड़क के गाड़ी पे आग लगाने के लिए पैसा है। हमारी मांग है महंगी कीमतें बंद करें। भोपाल में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 82.78 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 71.66 रुपए प्रति लीटर रही। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों से ही परेशान नहीं है, बल्कि उन्होंने दावा किया कि इन कारणों के अलावा भी जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ है। कितने धरना करते थे जब 55 रुपए था पेट्रोल और डीजल का भाव, क्या क्या बयान देते थे और आज चुप है, इनका मुंह नहीं चलता इन बातों पर। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कांग्रेस की तरह पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े दिखे और दाम घटाने की वकालत की। ये तो दिवालापन का कदम है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। 35 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए पेट्रोल। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान जनता की मुश्किलों पर कम, चुनाव जीतने पर ज्यादा है।